आप इंडिया में जब मिले तो लोगों से जब आप मिले तो उनका क्या परसेप्शन था? हमारे लिए सबसे देश ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या धर्म? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो धर्म के बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, विच मीन्स के शायद वो देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं। डेफिनेटली हिंदू लोग वो भी बैठ के नॉन वेज भी खा रहे थे, नॉट ऑल द बिल्कुल नॉन वेज खाते हैं, बहुत वेज नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बिठा के चाय और ये वो रोटी कटी देनी है, आप हमारे मेहमान हो एज अ मुस्लिम आल्सो, काफी रिस्पेक्ट मिली है यहाँ पे। बट डेफिनेटली मैंने कुछ चीजें देखी है, मेट्रो दिल्ली की इज वेरी एडवांस सिस्टम, मेरे यूके की जो मेट्रो है ना अंडरग्राउंड एग्जैक्ट सेम वही उसी तरह चल रहा है। तो बाकी आई टी में क्योंकि मेरे कोलीग्स बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि आई टी तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, आई टी में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और वैसे भी आप गूगल के मतलब ऐसा एक परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर लोग हिजाब नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैंने देखा है कुछ लोगों को, स्पेशली जब मैं था ना मुंबई में, मैं वो एक मोहम्मद अली रोड पर अफ्तारी करने गया था, वहाँ लोग फिर रहे थे हिजाब के साथ, ज़्यादातर पाकिस्तानी हो ना पाकिस्तान बैठे हुए, उनकी ज़रूर ख्वाहिश होती है कि यार हम जाकर ना इंडिया देखें, क्योंकि डेफिनेटली काइंड ऑफ हमारा सेम कल्चर है, वी वर पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप हिंदू कम्युनिटी या फिर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो वहाँ पर तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब दबाने का प्रयास किया जाता है, फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, लड़कियों को उठा के शादी करा दी जाती है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएँ पाकिस्तान के अंदर होती रहती हैं। लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना दिया गया मंदिर में, मैंने अपना पासपोर्ट दिया, टिकट दिया, उनका मुस्लिम नहीं होते आप नहीं जा सकते, मुस्लिम अलाउ नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जो अपने देश के लिए मरे, अपनी मिट्टी के लिए मिले, हम लोग को आज़ादी दिलाने के लिए मरे, लेकिन आज हमने उनको जात धर्म के अंदर बांट के उनको रख दिया है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये देश पटेगा जो अपना बलिदान दे रहे थे। यूरोप गए आप तो एज ए पाकिस्तानी पासपोर्ट आप दिखाते थे या किसी से पाकिस्तानी बताते थे तो उसका क्या रिएक्शन होता था? मास्क वाले के थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेकिंग जरूर करते हैं कि भाई साइड पे आ जाओ, इससे ऑलरेडी समथिंग, इस मतलब ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो है, इसका है असर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आप सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं किसी पाकिस्तानी का इंटरव्यू लूँ, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सनी साइड करके, एक यूट्यूब चैनल है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो पहले पब्लिक इंटरव्यू करते थे वो इस समय फर्स्ट विजिट इंडिया करके एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें सारे लोग भारत के किसी न किसी व्यक्ति से बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी जब सनी भाई आए थे भारत घूमने के लिए, तो यहाँ पर जब आए तो इनके वीडियो के ऊपर काफ़ी अच्छा प्यार मिला इनको और व्यूज़ इनको काफ़ी अच्छा है, इनकी वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए। इसके बाद में और लोगों ने देखा, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग अब घूमना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग फिजिकली नहीं घूम पाते हैं वो फिर वर्चुअली घूमने की कोशिश करते हैं। उसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया करके कैंपेन स्टार्ट किए हैं उन लोगों ने। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सनी साइड के जो ऑनर हैं, जो व्लॉगिंग करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सर आप हमारे चैनल के ऊपर आए, हमें आपने वक्त दिया और हमारी ऑडियंस जो है आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करती है आपसे। शुक्रिया अनुज भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आप ये बताइए कि आपने क्या मतलब जैसे कि आपका ट्रैवल में बहुत रुचि रखते हैं ऐसा मुझे लगता है कि आप बहुत सारे व्लॉग वगैरह पर अलग अलग कंट्रीज में घूमते रहते हैं, वैसे तो हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि घूमें, हमारा भी है, लेकिन कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं और इंडिया घूमने का मतलब भारत घूमने का कैसे आपके मन में विचार आया कि चले भैया देखें कैसा है क्या है, कुछ क्या ख्याल आया था आपके? हाँ जी, मैं वैसे मैं आई टी कंसल्टेंट हूँ, जॉब वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम मैं काफ़ी ट्रैवल शुरू से कर रहा हूँ। 2015 से मैंने मेनली ट्रैवल शुरू किया था जी। तो मेरा पहले शौक था ज़्यादा पहाड़ों में जाने का, हाइक वगैरह, तो मैं जो करीबी इलाके थे वहाँ अक्सर हर महीने दो बार हाइक पर जाता था, लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ तो जॉब्स का जो सिस्टम है वो थोड़ा कम हो गया, काम कम हो गया, डेफिनेटली जॉब तो थी नहीं, काम इतना होता नहीं था, तो फिर उसकी वजह से ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। और एक्चुअली यही रीज़न थी जब मैंने यूट्यूब पर अपने वीडियोस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ा टाइम भी होता था और ट्रैवल भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। लेकिन पिछले साल से 2021 से एक्चुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ट्रैवल शुरू कर दिया, और एक पॉइंट पर आके एक्चुअली मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी फॉर ट्रैवल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे छुट्टियाँ थोड़ी कम मिलती हैं जॉब से, मैंने सोचा कुछ अपना काम सेटअप करते हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा मिलेंगी, ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, तो काफ़ी इंटेंस ट्रैवल चल रहा था मेरा पिछले दो साल से। लेकिन जो इंडिया का ट्रैवल है स्पेसिफिकली, इसका मेरा प्लान ये कर लेंगे पिछले तकरीबन कुछ 3-4 साल से मैं सोच रहा हूँ कि यार इंडिया जाना,
और उसकी मेरे ख्याल शायद एक रीज़न तो ये है कि मेरे बहुत से कोलीग्स इंडिया से हैं जिनके साथ मैं जॉब पे काम करता रहूँ। तो दूसरा ये था कि वैसे भी मेरे ख्याल से जो ज़्यादातर पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान बैठे हुए हैं, उनकी ज़रूर ख्वाहिश होती है कि यार हम जाकर ना इंडिया देखें, क्योंकि डेफिनेटली काइंड ऑफ हमारा सेम कल्चर है, वी वर पार्ट ऑफ इंडिया। तो हर बंदे का होता है कि यार जो हमारी मेन रूट्स हैं वहाँ हम जा के देखें, उन लोगों से मिलें। तो अगर मैं अपने कॉमेंट्स में भी जाता हूँ ना, अभी मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ इंडिया की, तो उसमें बहुत से लोग मेरे से यही सवाल पूछ रहे हैं कि यार तुम इंडिया कैसे गए हो, थोड़ा प्रोसेस हमें भी बता दो, उनका भी दिल करता आने के लिए। और मेरा स्पेसिफिकली क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स पंजाब से, लुधियाना से, तो मुझे ये भी एक, मेरे जो नाना अबू थे ना वो काफ़ी स्टोरीज बताते होते थे लुधियाना इंडिया, तो काफ़ी ना वो ट्रैक करता था कि यार एक बंदा है जो मेरे नाना अबू, उनकी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं किस तरह इंडिया जा सकूं, लेकिन उनको नहीं कभी मौका मिला इंडिया आने का। लेकिन मैं क्योंकि अभी यूरोप था, मुझे थोड़ा लगा कि शायद कोशिश करते हैं, शायद वीज़ा मिल जाए। चांसेस मुझे पर्सनली थोड़ा सा कम था एक्सपेक्टेशंस, लेकिन सब कुछ ओके मैनेज हो गया, तो वो मेरी जो ख्वाहिश थी इंडिया आने की तो पूरी हो गई, तो वीज़ा मिल गया, तो इसलिए मैं फिर ट्रैवल कर सका इंडिया। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई आप आए। पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, चैनल के नाम से ही जानते हैं, तो हमारे व्यूअर पूरा नाम भी जान पाएंगे। हाँ जी, मेरा वैसे नाम हसनैन मुजफ्फर है, लेकिन सनी मेरा निकनेम है जी, तो वहीं से सनी सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जब आप आने का प्लान कर रहे थे तो आपके मन में नहीं आ रहा था कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर दिखाया जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क अगर मुसलमानों के लिए है कोई, तो वो है भारत, ऐसा मतलब एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है, है ना? तो ये प्लान करते टाइम आपके मतलब दिमाग में चीजें नहीं है कि मैं जाऊंगा, मान लो किसी ने पकड़ लिया, कुछ कर दिया, इस तरीके की चीजें, तो ये आपके दिमाग में नहीं आया वहाँ? नहीं, मेरे ख्याल से जितना आप ज्यादा घूमते हो ना, स्पेशली एक तो बस बात करते हो, अगर आप पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप इस सारी उम्र पाकिस्तान गुजारी, आप सिर्फ उस मेंटालिटी में हो जो वहाँ के लोकल लोग आपको बताएंगे या मीडिया बताएगा। एक्चुअली मीडिया मेरे ख्याल से जो ज़्यादा आपका ब्रेन वॉश करता है या आपको चीज़ें दिखाता है मुल्क से बाहर की, तो जैसे आप मुल्क से बाहर आते हो आप दूसरे लोगों से मिलते हो, तो मेरे ख्याल से आपका दिमाग खुलता है। और मेरा स्पेसिफिकली क्योंकि मैं काफ़ी मुल्कों में जाता रहा हूँ, मैं इसराइल वाली साइड पर भी गया हूँ जो कि वो भी डेंजरस समझा जाता है, वहाँ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो समझ आने लग जाती है कि यार ये जो मीडिया पे आप देखते हो ना, एक्चुअली वो सारा कुछ नहीं है। रियलिटी में कोई भी बंदा इतना, किसी बंदे में इतनी नफरत नहीं है कि आप जाकर बताएं पाकिस्तान को आपको थप्पड़ लगा दे, कौन सी ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तो मुझे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी, तो मुझे इस चीज़ में बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं था कि मेरे साथ शायद कोई मिसबिहेव करेगा। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर एक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दिमाग में बना हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं खासकर, वो कभी जो है दोस्त नहीं हो सकते। हो सकता है आप जब पाकिस्तान रहते हो तो आपके भी दिमाग में चीज़ रही होंगी, तो जब बाहर आए आपने बहुत सारे रिलीजन के लोगों के साथ में काम किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो जो कहावतें हैं जो पाकिस्तान के लोग अभी भी उन सारी चीज़ों को मानते हैं, क्या वो सच हैं या फिर वो गलत हैं? मेरे ख्याल से रिलीजन मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम के साथ एक्सपीरियंस हर बन जाता है। मेरा यह है कि रिलीजन ना हर बंदे का पर्सनल मैटर है, उसमें उसको बीच में ला कर ना कोई भी आप जो फैसले लेते हैं ना, एक तो वो नहीं लेने चाहिए, मतलब एज अ नेशन अगर आप पाकिस्तानी हो या यूरोपियन हो या इंडियन हो, रिलीजन को साइड पर रखना चाहिए। दूसरा यह है कि मेरा, क्योंकि मैं 12-13 साल से यूरोप में भी रह रहा हूँ, काफ़ी क्रिश्चियंस और यहाँ पे इंडियंस हिंदू काफ़ी मेरे दोस्त हैं, कभी हमारी इस बारे में डिस्कशन भी नहीं होती है यार तुम क्यों मुस्लिम क्यों हो या तुम हिंदू क्यों हो। मुझे याद है कि 2 साल पहले मेरे जो क्रिश्चियन दोस्त थे ना, मेरे कोलीग्स डच लोग, उन सब ने एक दिन रोज़ा रखा था मेरे साथ मेरी जॉब पे, जस्ट फॉर रिस्पेक्ट, यार हम भी एक्सपीरियंस करेंगे, यार तुम रोज़ा रखते हो तो कैसा तुम सारा दिन खाए पिए गए। तो ये वो रिलीजन को उस तरह सीरियस नहीं लिया जाता, और मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट वे कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट होनी चाहिए जी। अच्छा, ये जो आपकी सोच है ये पहले पाकिस्तान में जब रहते थे ऐसे ही थी, कि जब बाहर गए आपने देखा सब कुछ एक्सपीरियंस किया तब आपकी चेंज हुई? वैसे टू बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल जब मैं पाकिस्तान में भी था ना, वैसे तो मैं मेरे ख्याल 19-20 साल का था जब मैं यहाँ आ गया था उस, लेकिन पाकिस्तान में भी मुझे कभी ना इतना रिलीजन से ये नहीं हुआ था। मेरे कुछ हिंदू दोस्त भी हैं जो पाकिस्तान से, एक्चुअली ये भी मैंशन कर देता हूँ, तो
तो उनसे वैसे पहले भी मेरा सारा ठीक था, कोई ऐसा मसला नहीं, मुझे पर्सनली नहीं था, लेकिन यूरोप आके डेफिनेटली फिर आपका दिमाग ज़रा ज़्यादा खुलता है, क्योंकि आप ज़्यादा रिलीजन के लोगों से आपका कॉन्टेक्ट रहता है। लेकिन पाकिस्तान में मेरा पर्सनली ठीक था, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। अच्छा सर, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा आप रहे हैं वहाँ पर, तो आप हिंदू कम्युनिटी या फिर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो वहाँ पर, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब दबाने का प्रयास किया जाता है, फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, लड़कियों को उठा के शादी करा दी जाती है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएँ पाकिस्तान के अंदर होती रहती हैं, और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की छवि ख़राब होती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात, वैसे टू बी ऑनेस्ट, न्यूज़ में तो सारा कुछ देखने में मिलता है, लेकिन मेरा कोई पर्सनल ऐसा ना तो मैं कभी किसी बंदे से मिला हूँ, ना मेरा कभी पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि यार कोई मुझे कहे कि इस वजह से मुझे ये इशू हुआ है। न्यूज़ में डेफिनेटली पता चलता रहता है, रिसेंटली भी मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें एक हज़ार लड़कियों को फोर्स कन्वर्जन कराया गया था, एक यूके की मतलब इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ थी कि हर साल लगभग 1000 लड़कियों को जो है फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के जो कुछ हिंदूज के इंटरव्यू देखे गए हैं उस पर भी कहीं झलकता है, तो आखिर ऐसा क्यों है? एक तरफ वो कहते हैं भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं, उन पर बड़ा जुर्म होता है, और दूसरी तरफ जो उनके यहाँ कम्युनिटी है छोटी बहुत, अरे वो माइनर्स ही हैं, आप 1-2% में क्या किसी को हो जाएगा, उसको भी ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा मेरा ना हिस्ट्री में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट था, या पॉलिटिक्स में कह लें, लेकिन डेफिनेटली अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे ना इस बारे में, तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। एज आई सेड अर्ली, मैंने पहले भी कहा है कि जो रिलीजन है ना, ये हर बंदे का पर्सनल होना चाहिए, और जो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है ना, जो कोर्स की बुक्स में, या जो मेरा अपना माइंड सेट जो तो मैंने पढ़ा, वो ये था कि जब पाकिस्तान बनाया गया था ना, उसका एक्चुअल, क्योंकि हमारे वो जो तिरंगा जो झंडा है उसमें भी दो रंग है ना, उसमें एक मिनोरिटी का वाइट वाला, तो एक्चुअली जो हमारे बानी थे कायदे आज़म जो उन्होंने बनाया था, उनका आइडिया यही था कि जो मिनोरिटीज़ हैं इन पाकिस्तान, उनको भी इंडिपेंडेंटली यहाँ पर रहने की आज़ादी, उनके राइट्स, सारा कुछ होना चाहिए। जी, ये जो मैंने मेरी जो स्टडी है उसके मुताबिक, लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना उससे लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। ऑल दो कुछ मिनोरिटीज़, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, एज ए सेट के मेरे कुछ हिंदू दोस्त भी हैं, हर जगह मेरे ख्याल से शायद ये मसला ना होगा, लेकिन किसी जगह है भी तो आई एम अगेंस्ट दैट। मेरा पर्सनल ये है कि रिलीजन को उसकी बेस पे किसी पे भी किसी किस्म का जो जुल्म कह लें या किसी को फोर्स करना, एक्चुअली हमारे रिलीजन में ना मेरे ख्याल ये भी ज़रूरी है मेंशन करना, इस्लाम में भी, आई एम मुस्लिम, तो इस्लाम में भी यह है कि किसी को आप फोर्सफुली मुसलमान भी नहीं कर सकते, हर बंदे को इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, लेकिन ये है कि बस कुछ लोग हैं शायद जिनको इस चीज़ की शायद समझ नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे जहाँ पे जितना भी जितनी भी क्वांटिटी में ये सारा कुछ चल रहा है, हम अंगेज थे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, यही सारी चीज़ें, सॉरी, अच्छा सर एक चीज़ बताइए, यही सारी चीज़ें आप सुनते रहे भारत के बारे में कि मुस्लिम के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, जब आप आए तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में चल जरूर रहा होगा कि लाइए भैया देखते हैं कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है ना, तो जब आप आए यहाँ पर लैंड किया तो आपने किसी को बताया कि आप पाकिस्तानी हैं, किसी मुस्लिम से मिले या फिर किसी हिंदू से मिले, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पहली बात ये मेंशन कर दूं, मैं थोड़ा सा ना जब मैं आया था तो मेरा थोड़ी सी कोशिश थी कि यार मैं ना इस टॉपिक को थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि हम पर्सनली मैं उधर पॉलिटिक्स और रिलीजन को अवॉइड करके मैं थोड़ा सा होता है यार अपना ना ट्रैवल करना चाहिए, तो मैंने एकदम एक दोस्त को मैसेज किया कि यार चार दिन से ना मैं वेजिटेरियन खाना खा रहा हूँ, तो मुझे इतनी आदत नहीं है वेजिटेरियन खाने की, तो उसके ना कुछ कमेंट्स ने ना कि यार बड़ा मुश्किल है मुस्लिम को तो यहाँ से खाना भी ठीक नहीं लगता, तो मुझे उसकी बात ज़्यादा पसंद नहीं आई, मैंने कहा लाइक इट्स ओके, ये आप उनके मुल्क आए हो, उनका कल्चर है, अगर नहीं आपको खाना मिला तो इट्स फाइन, मतलब मैं पर्सनली ठीक था उसमें ना, तो तब मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये जो थोड़ी मिसकंसेप्शन है ना इसके बारे में थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है, आल दो मुझे कोशिश थी कि ना करूँ, तो फिर मैंने कोशिश की कुछ ना लोगों से इस बारे में डिस्कशन करने की, तो दो पर्सपेक्टिव थे, एक तो ये कि जिनको मैंने बताया कि भाई आई एम मुस्लिम, आपने शायद अगर मेरी वो अमृतसर वाली वीडियो देखी होगी, हाँ, तो वो लिटरली उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बिठा के जलियांवाला बाग वाला, एग्जैक्टली नहीं जलियांवाला बाग नहीं, वहाँ पे एक म्यूजियम है पार्टीशन म्यूजियम, अच्छा हाँ हाँ वहाँ पर आप गए थे जलियांवाले बाग के बाद में, आप वहाँ पे म्यूजियम गए थे, वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने आपको जो है, तो
तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बैठा के चाय और ये वो रोटी कट्टी देनी, आप हमारे मेहमान हो। और जितनी जगह भी, ओवरऑल जितनी जगह मैंने बताया ना कि पाकिस्तान से हैं एज अ मुस्लिम आल्सो, काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है यहाँ पे। और दूसरा यह कुछ लोगों से फिर मैंने इस बारे में, कुछ मुस्लिम्स जो मुझे मिले थे, फिर मैं क्यूरियस था उनसे, मैंने थोड़ा पूछा कि यार आपकी नॉर्मल लाइफ है जी, कुछ उसके बारे में मुझे बताएं कि यार ठीक है नहीं ठीक। बिकॉज पर्सनली तो मुझे था अंदाजा क्योंकि मेरे इंडियंस के साथ काफ़ी लिंक्स थे, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना और अपने वीलॉग में डालने का मकसद ये था कि यार जो क्या आप दूसरों को भी बता रहे होंगे कि हाँ भैया देख लो ये कंडीशन है। एग्जैक्टली कुछ लोगों ने मुझे नेगेटिव उस पर कॉमेंट्स भी डाले हैं कि भाई तुम इंडिया आ गए, यहाँ पे इंडिया मुस्लिम ना करो, अपना आराम से घूमो और जाओ, क्यों लोगों से पूछते हो यार। देखिए नेगेटिव कमेंट दो ना लोगों का भैया, वो तो बैठे रहते हैं, उनको बस उन लोगों को चाहिए। तो लेकिन मकसद बहरहाल यही था पीछे के, यार मुझे तो डेफिनेटली पता है ना जो लोग कुछ देख रहे हैं उनको थोड़ा सा ना जो मैसेज मैं वो दे सकूं, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है। तो कहीं पे कहीं भेदभाव ऐसा लगा हो कि मतलब ये मुस्लिम है तो इसके साथ भेदभाव हो रहा है, रेस्टोरेंट में इसके बर्तन अलग रखे जा रहे हैं, या फिर नॉनवेज के, जब आपने देखा कि नॉनवेज रेस्टोरेंट है तो सिर्फ मुस्लिम वहाँ खाने जाते हैं, हिंदू नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ इस तरीके का कुछ दिखा आपको यहाँ पर? ऑनेस्ट वाला ओपिनियन यही है कि डेफिनेटली हिंदू लोग वो भी बैठ के नॉन वेज भी खा रहे थे, नॉट ऑल द बिल्कुल नॉन वेज खाते हैं, बहुत वेज नहीं है, 50% से ज़्यादा लोग खाते हैं नॉन वेज भाई इंडिया के अंदर। तो वो नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं था कि यार ये हिंदू आया, ये फॉर एग्जाम्पल ये मुस्लिम आया, उसको जरा सा कर दें। एक्चुअली पीपल जो लोग हैं ना इंडिया के, वो रिलीजन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन इस तरह से करना नहीं चाहते कि यार अगर तुम मुस्लिम हो तो फिर अपना ओपिनियन दो, या तुम हिंदू हो तो फिर अपना ओपिनियन दो। वो एक्चुअली इस चीज़ से ना थोड़ा सा माइंड करते हैं कि यार रिलीजन को ना इस तरह ना डिस्कस करो। वैसे भी थोड़ी जनरल बात इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन ये कि यार यू आर हिंदू या मुस्लिम, अपना ओपिनियन एज अ हिंदू या एज अ मुस्लिम, तो इस चीज़ को थोड़ा ना लोग नापसंद करते हैं। तो वो यही होता है ना कि हम आपकी भावनाएं ना आहत करें, आप हमारी ना करें, एकदम मस्त सब जियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप जैसे घूमे इतना सारा एरिया आपने घूमा, कहीं पे कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो या फिर कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर आप बाहर काम करते हो कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो इंडियन के साथ में? बैड तो नहीं मैं कहूँगा वैसे एक्सपीरियंस, लेकिन यह है कि मैं बड़ी ख्वाहिश लेके गया था वाराणसी बनारस जी जी, थोड़ा इंडिया कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं ये था कि वहाँ पे ना खास एक मंदिर है, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, काशीविश्वनाथ टेम्पल, कि मैं वो मंदिर पे देखूँ, फिर मैं वहाँ पे जो भी हिंदुज़म का जो कल्चर है वहाँ पे काफ़ी बोल्ड है वाराणसी, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना दिया गया मंदिर में। मैंने अपना पासपोर्ट दिया, टिकट दिया, उनका मुस्लिम नहीं होते आप नहीं जा सकते, मुस्लिम अलाउ नहीं है। हाँ बट कुछ कुछ मंदिर हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर अलाउ नहीं है जो दूसरे, लेकिन वो मेरे ख्याल से इट्स फाइन, वो ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तानी थे इसलिए आपको मना किया गया, वो ऑलरेडी काशी विश्वनाथ हैं, इसके अलावा दो तीन मंदिर है जहाँ पर लोग फॉरेन से भी आते हैं और फिर वो उनको अलाउ नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, नॉट एज अ पाकिस्तानी मुझे नहीं रोका गया क्योंकि मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट था, लेकिन उसने देखा कि यार तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हारा नाम मुस्लिम है, तो मैं इसको नेगेटिव नहीं कंसीडर करूंगा। अगर आप नेगेटिव एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, मैं रिस्पेक्ट कि उनके अपना एक कानून है ना, उनका एक अपना तरीका है, तो इट्स फाइन विद दैट। अदरवाइज 26 दिन में रहा हूँ इंडिया में, तो मेरा कोई भी बुरा एक्सपीरियंस हुआ एक भी नहीं। तो ये जो टोटल आपने एक्सपीरियंस किया कि भैया यहाँ पर सब लोग, अगर कोई अपना जैसे कोई तिलक नहीं लगाए, मान लो ये तिलक होता है ना हिंदू लोग लगाते हैं, फिर कोई टोपी नहीं पहने हैं। अच्छा एक और चीज़ है, आपने देखी कि यहाँ पर लोग हिजाब करके लड़की आपको दिखी, ऐसा तो कोई मतलब ऐसा एक परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर लोग हिजाब नहीं कर सकते हैं, फिर हिंदू उनको मारते लड़कियों को? नहीं मैंने देखा है कुछ लोगों को, स्पेशली जब मैं था ना मुंबई में, मैं वो एक मोहम्मद अली रोड पर इफ्तारी करने गया था, वहाँ लोग फिर रहे थे हिजाब के साथ। बाकी मैंने शायद इतना नोटिस नहीं किया क्योंकि मेरा वो माइंडसेट नहीं था कि मैं रिलीजन को ज़रा जा कर मज़ीद डिटेल्स में देखूँ कि मुसलमानों के साथ क्या चल रहा है, मेरा ये मकसद नहीं था। लेकिन जब मैं मोहम्मद अली रोड पे था वहाँ पे डेफिनेटली थे लोग बोलते थे कि मैंने हिजाब किया हुआ था, जो इसमें शुरू था। अच्छा सर ये बताइए कि फिर जो पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं या फिर आपसे कोई पाकिस्तानी जब मिलेगा तो फिर अगर इंडिया के बारे में बात होगी तो आप उससे क्या बताएंगे?
फिर वो आपसे तो बहस करने लगेगा, कहेगा आप तो भैया घूम के आए, आप तो इंडिया वाले हो गए। अच्छा वैसे अगर मेरे से शायद इंडिया जाने से पहले भी ओपिनियन लेते ना अबाउट इंडियंस, काफ़ी पॉजिटिव होता है। उसकी रीज़न यह है कि मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया हुआ है जी। मेरी काफ़ी, क्योंकि हमारी एक टीम यहाँ होती थी, मेरी एक इंडिया होती थी, और कुछ लोग इंडिया के यहाँ पे आते भी थे, तो उनके साथ मेरा सफर लग भी था। मेरा बहुत फैमिली रिलेशन तक भी है, जो हमारे घर भी कुछ दिन आते रहे जब यूरोप आते, तो मेरे ख्याल से तब भी मैं उनको पॉजिटिव फीडबैक देता अबाउट इंडियंस, तो इंडियंस लोग हैं। लेकिन डेफिनेटली आफ्टर मतलब 25 दिन गुजारने के बाद इंडिया में, और अगर आप 25 दिन गुजार रहे हो और एक भी आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता, आल दो कि आप लोगों को बता भी दोगे आप पाकिस्तान से हो, उसके बाद जब इतना बुरा आपने सुना हो कि ऐसा ऐसा होता है, और यहाँ पर आपको वो पूरा सिनेरियो ही चेंज है ना, मतलब जो आपने सुना था उसका, अगर आप एज ए पाकिस्तानी जो आपने सुना था उसका तो पूरा सिनेरियो चेंज है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ नहीं डेफिनेटली, अगर मेरे से अगर तो कोई मेरा चैनल भी देख रहा है, उसमें मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं लोगों को बताऊँगा यार ये जो मिसकंसेप्शन है ना, इसको थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है। और मिलता भी क्या है कि अगर आप अपने दिल में नफ़रत भी रखते हो ना इंडियंस के लिए या इंडिया के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उसके नतीजे में कुछ नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो थोड़ा जो अपना है ना वो दिमाग थोड़ा मेरे ख्याल से साफ करने की ज़रूरत है। तो वैसे भी और मेरे ख्याल से जो एक ज़रूरी चीज़ कि जो थोड़ा सा मीडिया या अगर पॉलिटिशियंस इंडिया का नाम यूज़ करते हैं ना, उसके पीछे शायद अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसलिए कि लोग थोड़े से ना इमोशनल है इस बारे में, तो अगर आप इस बारे में बात करोगे ना तो आपकी व्यूअरशिप या आपके लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे, तो एक्चुअली वो लोगों की जो मैंटेलिटी है ना उसकी बेस पे शायद आपको वो बात करते हैं लोग जी। दोनों साइडों पे होगा क्योंकि इंडिया में भी हाँ, दोनों साइड पे है। तो वो मेरे ख्याल अगर आप अपना दिमाग थोड़ा क्लियर रखेंगे ना, अगर मीडिया को भी पता होगा कि यार इस चीज़ को लोग डिसलाइक करते हैं अगर इंडिया के बारे में या पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव कॉमेंट्स को, तो मेरे ख्याल से आस्ते आस्ते शायद मीडिया भी उस चीज़ को हाईलाइट करना कम कर देगा। अच्छा सर आप ये बताइए, आपकी जैसे हम लोग 1947 में अंग्रेज़ों ने हमको आज़ाद किया, इससे पहले तो हम लोग सब एक ही थे, तो ये बताइए जैसे बांग्लादेश में जो फ्रीडम, देखिए 1947 तक जो फ्रीडम फाइटर थे वो हम सब लोग के एक थे समझे, तो फिर ये अलग अलग मतलब पाकिस्तान के अंदर, मतलब थोड़ी बैक हिस्ट्री तो पढ़ानी चाहिए, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश ने तो अपनी हिस्ट्री ही ख़त्म कर ली, भारत से अलग होने के बाद हिस्ट्री ख़त्म है ना, तो ये जैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे रहे जिन्होंने मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जो अपने देश के लिए मरे, अपनी मिट्टी के लिए मिले, हम लोग को आज़ादी दिलाने के लिए मरे, लेकिन आज हमने उनको जात धर्म के अंदर बांट के उनको रख दिया है, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये देश पटेगा जो अपना बलिदान दे रहे थे। बिल्कुल, इस पर क्या कहेंगे सर आप? हिस्ट्री वैसे मैं पर्सनली हिस्ट्री में बहुत वीक था, बहुत सी चीज़ें शायद मेरी किताबों में थी भी तो मैंने काइंड ऑफ निगलेक्ट की या नहीं उस पर मैंने इतना फोकस रखा अपना, लेकिन दूसरी बात ठीक है आपकी, मेरे ख्याल से इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री हमें नहीं बताई जाती। अब यह जलियांवाला बाग था ना, इट हैज़ अ वेरी बहुत ख़ास हिस्ट्री है इसकी, किसी किस तरह आप प्रोटेस्ट कर रहे हो लोगों को मारा गया, तो इसका मुझे पहले नहीं पता था अनलेस कि मैं अमृतसर में सर्च करके उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला। तो आई पर्सनली थिंक हिस्ट्री थोड़ी पीछे की ना जो शायद पाकिस्तान से पहले की थी वो ज़रूरी है, वो थोड़ी पढ़ाना थोड़ा बताना लोगों के किस तरह हमने जो ब्रिटिश थे उनसे आज़ादी के लिए किस तरह ये मुहिम सारी चलती रही है। तो लेकिन आई वुड आल्सो से कि शायद पढ़ाते भी हों, मेरी अपनी कमज़ोरी हो कि शायद मैंने इस तरह उसको ना पढ़ा हो कहीं पर, लेकिन आई मिस दैट कि मुझे याद नहीं है कि शायद मैं पिछली हिस्ट्री के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अपनी कोर्स की बुक्स में पढ़ा हो। लेकिन मेरे ख्याल से बात आपकी ठीक है, इट्स अ कंबाइंड हिस्ट्री, तो अगर इंडिया की हिस्ट्री है तो पाकिस्तान की भी हिस्ट्री सेम है, तो अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर हम या मतलब तीनों मतलब जो कंट्री हैं बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया, ऐसे इंडिया में तो वो पढ़ाया ही जाता है क्योंकि इंडिया में कुछ बदला नहीं जाता है, तो अब वो जो जैसा था वैसा पढ़ाया जा रहा है, अगर हिस्ट्री सही से पढ़ाई जाए तो कहीं ना कहीं एकता का संदेश नहीं मिलेगा कि भैया सब लोग पहले आराम से रहते थे, हमने अंग्रेजों तक भगा दिया है ना, अंग्रेजों ने हमारे देश को बांटा, ये सारी चीज़ें अगर लोगों की समझ में नहीं आने लगेंगी कि भैया हम क्यों लड़ रहे हैं, पहले तो हम आराम से रहते थे, आज हम क्यों धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं? नहीं नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली, इस बारे में ना थोड़ा सा इंडिया का टूर करने के बाद बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है जब आप खुद प्रेजेंट होते हैं उस जगह पे होते हैं, तो जो मेरा एक विजन जो काफ़ी चेंज हुआ है ना,
वो ये था कि डेफिनेटली हमारी हिस्ट्री काइंड ऑफ सेम थी, हमारा सब कुछ सेम चल रहा था। पर एक पॉइंट पे आके कायद आजम ने या उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा अगर हमारा मुल्क हमें एक अलहदा हिस्सा मिल जाए तो हम अपने तरीके से अपने इस्लामिक तरीके से वहाँ पे अपने कानून नाफिज कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर इस बारे में पूछा तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर एक कौम एक मिनोरिटी कर ले उस वक्त तो मिनोरिटी ही होगी, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो तो चाहते हैं कि हमारा एक हिस्सा हमें अलहदा दे दें जहाँ हम अपने कानून अपने मुताबिक रह सकें। इट्स फाइन, मेरे ख्याल यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन फिर अब इस जगह पर चला जाना कि यार अच्छा तो स्टार्ट हेटिंग ईच अदर, जबकि उससे पहले सब ठीक रह रहे थे, सब ओके चल रहा था, लेकिन फिर आपने सोचा कि यार अच्छा हम ना थोड़े से अपने कानून नाफिज करना चाह रहे हैं तो ये वाला हिस्सा हमें ना अलहदा दे दें। उसके बाद एक दूसरे से जो हेट शुरू हो गया ना, शायद उसमें कहीं ना कहीं कश्मीर का हाथ भी है, लेकिन मेरे ख्याल से कश्मीर का हाथ कम है, लेकिन वो नेताओं का ज्यादा है। हाँ, वो नेताओं का ज्यादा, थोड़ा जज्बात लोगों के उभारने का, वो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा ना कम करने की जरूरत, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ाने से पीछे की हिस्ट्री जानने से वो ना फायदा डेफिनेटली होगा उसका, क्योंकि बिफोर सारा कुछ हमें। देखिए मैं हिस्ट्री का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने दादाजी से सिर्फ बातें सुनी थी और बातें सुनने के बाद में आपको बहुत लगा हो गया कि ये तो मेरे जहाँ से दादा या नाना जी आए थे वहाँ की धरती मुझे एक बार जाना चाहिए। एक पॉजिटिव थॉट्स आती हैं लोगों के अंदर जब वो हिस्ट्री रियल हिस्ट्री जानते हैं, है ना। अगर उनको बनाई हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब तो नफरत बढ़ेगी ही ना, तो ये करना चाहिए सारे कंट्रीज को करना चाहिए, या फिर एक हम लोग का एक ग्रुप होना चाहिए जो मुहिम चलाए एटलीस्ट तीनों कंट्री में, हम लोग हिस्ट्री तो बता सकें भाई कि रियल हिस्ट्री ये है भाई, इसको तुमको करना है, है ना। आप मानो जो मान रहे हो, जैसे देश बना उसके बाद में आपके जो भी रहे लीडर रहे या फिर बांग्लादेश के जो लीडर है जो कंडीशन है वो मानो, लेकिन जो तीनों लोग की हिस्ट्री है उसको मिटाना नहीं जाना चाहिए, मेरा ये कहना था। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आई एग्री विद दैट। मुझे पीछे की हिस्ट्री है ना स्पेशली, अब फॉर एग्जांपल मैं इंडिया गेट गया हूँ ना, वहाँ पे भी काफ़ी नाम वगैरह लिखे हुए थे जो लोग फाइट कर रहे थे अगेंस्ट डिफरेंट वार्स में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम नेम भी थे, हिंदू नेम भी थे, तो इस तरह की चीज़ें आप देखते हो ना तो आपको लगता है कि वी वर टुगेदर, कि हम इकट्ठे फाइट कर रहे थे आज़ादी के लिए अगेंस्ट यूके गवर्नमेंट कर रहे हैं या जो वर्ल्ड वार हुई है जर्मनी कर रहे हैं, सारा कुछ हमने अब तक इकट्ठा ही किया, तो अभी हम बहुत ज़्यादा बट गए, तो उससे एक ना पॉजिटिव वाइब्स डेफिनेटली। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि जब एज ए पाकिस्तानी आप पहले जब गए तो फिर लोगों का, क्योंकि कंट्री का नाम देखिए 2012-13 के आसपास में कंट्री का नाम बहुत ख़राब था, ओसामा बिन लादेन टेररिज्म की वजह से बहुत ऐसी चीज़ें थी जो वर्ड सुनता था पाकिस्तान के बारे में, थोड़ी सी चीज़ें अब कंट्रोल हुई हैं तो, लेकिन पहले आप गए, आपने जैसा बताया कि आप पहले गए थे, तो फिर क्या एक्सपीरियंस रहा, लोग जब बात करते थे पाकिस्तान का नाम सुनकर तो क्या मतलब उनके नज़रिया होता था या फिर एयरपोर्ट के ऊपर क्या दिक्कतें होती थी? अब इंडिया की बात नहीं, नहीं इंडिया की बात, इंडिया में तो आपको एकदम बिल्कुल आराम से लोगों ने पूछा होगा क्योंकि वीज़ा मिला हुआ है तो कोई दिक्कत हुई नहीं। ओवरऑल वर्ल्ड जब यूरोप गए आप तो एज ए पाकिस्तानी पासपोर्ट आप दिखाते थे या किसी से पाकिस्तानी बताते थे तो उसका क्या रिएक्शन होता था? वैसे मेरे साथ आज तक ना शुरू में जब पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था कभी भी ऐसा नहीं, ना तो किसी ने मिसबिहेव किया है क्योंकि मैं लगता हूँ पाकिस्तानी, ना कभी किसी कोई रेसिज्म का सामना हुआ है, और ना ही कभी एयरपोर्ट पे आया हूँ तो किसी ने मुझे मास्क वाए कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेकिंग ज़रूर करते हैं कि भाई साइड पर आ जाओ जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हैं, इससे ऑलरेडी समथिंग, इस मतलब ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो इसका है असर, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल से ठीक ही था। मेरे ख्याल से शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका बिहेवियर वो भी थोड़ा डिफाइन कर देता है आपके बारे में, लेकिन डेफिनेटली इतना सा ज़रूर होता था कि यार थोड़ा सा साइड पर अगर एक्स्ट्रा चेकिंग करवाओ तो मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं कोई मिसबिहेव। अच्छा सर, ये तो इमेज बनी तो इसके लिए गवर्नमेंट कितना जिम्मेदार रही आपके अकॉर्डिंग? भाई इतना साल का सफ़र रहा भाई, जब भारत से अलग हुआ तो ये सारी गतिविधियाँ तो होती ही नहीं थी, आप समझो भारत से तो एकदम सेपरेट हुआ, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हुई बंटवारे के तरफ वो दोनों तरफ से हुई, दोनों तरफ के लोग मरे, लेकिन जब आराम से एक देश मिला आपके अकॉर्डिंग, एक देश मिल गया जैसा चाह रहे थे वैसा मिल गया, तो वो फिर क्यों तरक्की नहीं कर पाया, फिर दुनिया के अंदर ये छवि क्यों बन गई उसके कि वो टेररिस्ट कंट्री है, या फिर मतलब कुछ लोग करते हैं भरना पूरे कंट्री को पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये जो लेबल लगा वो फिर क्यों लगा आपके अकॉर्डिंग, ये तरक्की क्यों नहीं कर पाया देश?
वैसे तो मैंने जैसे आपको कहा था मुझे थोड़ा ना हिस्ट्री के बारे में थोड़ा मेरा नॉलेज कम है। आप ये बताइए कुछ एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें, लेकिन मैं अपना नजरिया अपना थॉट्स जो मैं सोच सकता हूँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियंस का भी होगा, उनका जो फोकस है शायद वो थोड़ा सा थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ता है जब आप एक कंट्री लेवल पे चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, आपने एक मुल्क चला रहे हैं, आपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी मुझे याद है वैसे कि किसी टाइम पे ना सुनने में मिलता था कि यार ये जो कैमरा है ना इसका इस्तेमाल इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, सारे जो है जितने जो लोग बोलते थे वही आज वीडियो बना रहे हैं, वो टिकटॉक बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों में मेरा ख्याल लोग ज़्यादा फंसे हुए थे आई गेस। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, स्पेशली अगर आप पिछला थोड़ा सा दौर देखें ना, लास्ट वन ईयर की बात नहीं करूँगा, हाँ इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो इमरान खान की गवर्नमेंट ना एक पढ़ा लिखा बंदा है एक बाइक से, तो उसका थोड़ा दिमाग साफ था, थोड़ा उसको पता था कि भाई दुनिया कैसे चलती है, तो उसने थोड़ा सा फोकस किया था, लोग खुशहाल थे, इंडस्ट्री चल रही थी, अच्छी चल रही थी, वो कुछ ऐसे स्टेप्स क्योंकि, लेकिन अगर आप काफ़ी थोड़ा पीछे रह गए हो एक रेस में, दुनिया में एक रेस चल रही है ना टेक्नोलॉजी की करने या उसमें आप पीछे रह गए, पूरा टाइम लगता है किसी को पीछे से दोबारा मिलने के लिए, कोशिश अच्छी थी उसकी लेकिन उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट द फोकस ऑफ गवर्नमेंट, उम्मीद करते हैं कि शायद फ्यूचर में फिर हमें कोई ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा बंदा मिले उसका एटलीस्ट इस चीज़ के सेंस हो गए यार मुल्क को हमने कैसे, ठीक है सर, तो फिर हम मेरे ख्याल से तरक्की पे वापस थोड़ा उस रूट पे आ। अच्छा एक मैं आपसे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आप इंडिया आ चुके हैं, तो आप एक या दो वर्ड में जो है आप अपना जो भी है आप बोलिएगा, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, क्वेश्चन हो ही चुके हैं। जैसे कि पाकिस्तान के, जैसे मैंने पूछा था कि काफिर कभी दोस्त नहीं हो सकता, इस पर आप क्या कहेंगे, गलत सही? मेरे ख्याल से रिलीजन पर्सनल नहीं, जो लोग सोचते हैं कि कभी जो नॉन मुस्लिम है दोस्त ही नहीं हो सकते आपके। नहीं नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ उस उन लोगों को इस चीज़ को रखना चाहिए कि यार रिलीजन अपना है आपका, तो अगर आप जो आपने सोशल होना है वो डजंट मैटर किस रिलीजन से, आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन ओपिनियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम में क्या है या पाकिस्तान में क्या है, मेरा ओपिनियन ये है कि रिलीजन को हर मैटर से वो पर्सनल होना चाहिए बंदे का, बाकी आपकी सोशल लाइफ है। आप इंडिया में जब मिले तो लोगों से जब आप मिले तो उनका क्या परसेप्शन था, हमारे लिए सबसे देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या धर्म, सोचने एक नज़रिया झलक जाता है। मेरे ख्याल से हाँ जी, हाँ जी नहीं, मेरे ख्याल से एक तो धर्म के बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, विच मीन्स के शायद वो देश के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा सर एक और चीज़ बताइए, जैसे आईटी के मामले में आईटी से आप रहे हैं तो क्या फ्यूचर आप देखते हैं आईटी का भारत का? भारत में टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट विजिट, मैंने मुझे लोगों ने काफ़ी कहा था कि गुड़गांव जाओ, बैंगलोर एडवांस सिटी, हैदराबाद, हाँ जी और भी काफ़ी लोगों ने बताया था, लेकिन ना क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था ज़्यादा लोगों से मिलना थोड़ा कल्चर के बारे में, तो मैंने वो सिटीज़ में उनमें नहीं गया, बट डेफिनेटली मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, मेट्रो दिल्ली की इज़ वेरी एडवांस सिस्टम, मुझे यूके की जो मेट्रो है ना अंडरग्राउंड एग्जैक्ट सेम वही उसी तरह चल रहा है, तो बाकी आई टी में क्योंकि मेरे कोलीग्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे पता है कि आई टी तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, आई टी में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और वैसे भी आप गूगल के अच्छा सर, आप जब आप पहले आप गए नहीं थे इंडिया और आप जब आए हैं तो क्या चेंजेस आए, अगर आपको दूसरे किसी पाकिस्तानी बताना हो तो दो वर्ड में आप क्या बताएंगे उससे? नमस्ते, एज़ आई सेड के इंडिया के बारे में मेरा कभी भी नहीं, अभी आप जब आ गए आंखों से देखते नहीं तब तक कहीं ना कहीं दिमाग में चीजें चलती, आपने आंखों से देख लिया फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा एक थोड़ा सा ना मुझे टाइम देना, आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ इस बारे में स्पेसिफिकली, मैं ऋषिकेश में था तो वहाँ हम ना राफ्टिंग कर रहे थे, तो मैं पाकिस्तानी था डेफिनेटली और साथ मेरे 6-7 दोस्त थे इंडिया से थे, तो राफ्टिंग में बाकी कश्तियाँ भी चल रही थी, तो ना काफ़ी नारेबाजी कर रहे थे जो दोस्त मेरे साथ राफ्टिंग कर रहे थे ना कि वो इंडिया की कश्ती है उसको पकड़ो आतंकवादी इस तरह का तफरी, मतलब मजाक, वैसे मुझे मजाक नहीं था लेकिन वो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में होते तो हम भी थोड़ा ऐसे ही करते जरा, क्योंकि लोग ना जोश के लिए कि चलो जरा तेज करो ना, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ देम और मैं भी मजाक करूँ, लेकिन जब हमने राफ्टिंग खत्म की
तो बाहर आके ना मैंने उनको बताया कि यार आप ना कर रहे थे जरा हुकिंग, तो हम पाकिस्तानी। एक तो वो काफ़ी ना थोड़े शर्मिंदा हो गए यार, ओहो ये हमने क्या किया। और दूसरा ये कि उनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि वो सारा दिन हमने इकट्ठा गुजारा, मतलब हम कोई किसी को नहीं जानता था, हमारा अपना अपना प्लान था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आओ यार इकट्ठे आज घूमते फिरते, वो पूरा दिन मैंने इकट्ठा गुजारा एंड टिल द डे टुडे, आज मुझे लगता है एक महीना हो गया इस बात को, अभी भी हमारी वीडियो कॉल्स चल रही होती है हमारा। तो यह है कि वो जो एक है ना आपके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ मीडिया है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सुन एज आप किसी को पर्सनल मिलते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा आपसे इस वजह से नफरत करेगा यार पाकिस्तान। इसलिए ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है कि लोग जो है ना अगर आपको देखें अगर पाकिस्तानी तो दे बिहेव वेरी वेल, तो बहुत रिस्पेक्ट और मोहब्बत के साथ मिलते हैं। अब दोस्तों हम लोग एंड करते हैं, और अगर सनी भाई आप कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी को जो दोनों तरफ के व्यूवर्स देख रहे हैं, तो आप उनको कोई मैसेज दे दीजिए। इसी के साथ हम एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हाँ नहीं, थैंक यू वेरी मच आपका इन्वाइट करने के लिए, लेकिन यही मेरे ख्याल से एट द एंड मैसेज यही है कि थोड़ा ना अपना ब्रॉड माइंड होकर सोचना चाहिए। ये अगर आप हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तानी इंडिया में घुसे रहेंगे ना, तो मेरे ख्याल से नुकसान है, आपका नुकसान है, आपकी एनर्जी ज़ाया होती है। आप तो मेरे ख्याल से उसकी बजाय अगर वो एनर्जी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पेंड करते हैं ना, तो काफ़ी कुछ आप गेन भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें ना, तो बहुत सा बजट हमारा इस मिलिट्री पे जा रहा है कि भाई हमने इंडिया से अच्छे वेपन्स लेने हैं फॉर एग्जांपल, तो या हमने ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी है, तो वो शायद अगर किसी पॉइंट पे उम्मीद करते हैं कि हो भी जाएगा, ये तल्लुकात बेहतर होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से मुल्कों का दोनों कंट्रीज़ का भी फ़ायदा है और लोगों का जो आपस में है ना, तो वो भी मेरे ख्याल से अच्छी इमेज अगर एक दूसरे के बारे में रखेंगे वो मेंटल पीस के लिए भी बेहतर है। तो ये जो ओवरऑल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है इसको वाइड करके मेरे ख्याल जो लोग लोकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, थोड़ा से उसको भी देखना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए कि एक बंदा खुद जाके एक्सपीरियंस करके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। धन्यवाद सर, आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार करने के लिए तो शुक्रिया। थैंक यू।